तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी सिलेरियो के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया दिया था इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट, उसमें आपको बेसिक फीचर भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि व्हील कवर हो गए, बॉडी कलर के डोर हैंडल भी नहीं मिलते हैं आपको उसमें, और ORVM भी आपको बॉडी कलर के नहीं मिलते हैं, और ना ही पावर विंडो जैसे फीचर आपको उसके उस कार के बेस वेरियंट पर नहीं मिलते हैं। ये इस कार का सेकेंड बेस वेरियंट है जो कि है BXi। 5,20,000 रुपये प्राइस है इस कार का एक्सोरूम। इतने प्राइस पर आपको इसका बेस मॉडल मिल जाता है। 5,70,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे तो आपको इस कार का BXi वेरिएंट मिल जाएगा। और BXi वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर ऑफर किए जाएंगे आज हम इस वीडियो में सब कुछ देखने वाले हैं। और इस कार में काफ़ी ज़्यादा एसेसरीज लगी हुई है, इसका प्राइस मैं आपको दिखा दूंगा। जो प्राइस लिस्ट है इस कार की एसेसरीज की, वो रेयर ग्लास पर लगी हुई है। और इस कार का मैंने आपको प्राइस तो बता ही दिया, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से। हेलोजन हेडलैम्प मिल जाएंगे आपको, इंडिकेटर में आपको बल्ब मिल जाएगा, और ये रही इस कार की ग्रिल। क्रोम लाइन दी जाएंगी दो आपको, और बीच में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा, और नीचे इस साइड जो फॉग लैम्प है वो एसेसरीज का पार्ट है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह की लगती है इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। और ये रही इस कार की, बेसिक सी की मिल जाएगी आपको इसमें। रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको नहीं मिलेगी इस कार में, आपको सिर्फ मैनुअल सेंटर लॉकिंग दी जाएगी। और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल, 13 इंच का आपको इसमें व्हील्स मिल जाएंगे विद व्हील्स कवर। इंडिकेटर हो गया, फेंडअप है, बॉडी कलर का आपको RBM मिल जाएगा। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर के दिए जाएंगे। फ्यूल लीट हो गया कोट एवरसाइड, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस कार की 32 लीटर की है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह से लगती है ये कार साइड से देखने में। और ये रही इस कार की बैक प्रोफाइल, ऊपर की साइड आपको इंडिकेटर स्पॉइलर मिल जाएगा। हाइड मोड स्टॉप लाइट और CNG का स्टिकर मिल जाएगा। CNG वेरिएंट में रहने वाली है ये कार। अगर आप ये कार पेट्रोल में लेते हैं तो 5,73,000 रुपये एक्सोरूम मिलेगी। और ये रही इस कार की टेल लाइट, लजन बल्ब मिल जाएगा आपको इस कार की टेल लाइट में। सिलेरियो की ब्रेजिंग, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। कार के बूट को ओपन करने के लिए की का ऑप्शन, और बूट को खोलने के लिए हैंडल, और नीचे की साइड आपको पार्किंग सेंसर रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कुछ इस तरह का था इस कार का एक्सटीरियर से। तो चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखा देता हूँ, कितना बूट स्पेस आपको इस कार में मिल जाएगा। कार के बूट ओपन करने के लिए आपको हैंडल दिया जाएगा, पार्सल टेल मिल जाएगी, और स्पेयर व्हील मिल जाएगा आपको यहाँ पर। CNG टैंक होने की वजह से आपको इसमें काफ़ी कम बूट स्पेस मिल जाएगा। डोर हैंडल हो गए, RBM हो गया, ये तो आपको बॉडी कलर के मिल जाएंगे, और व्हील कवर्स मिल जाएंगे आपको इसमें। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है RBM। इस कार के कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपको एक्सटीरियर से मिल जाती है। तो चलिए चल देते हैं इस कार के इंटीरियर में क्या क्या ऑफर किया जाएगा आपको। तो आपको इस कार में 1000 CC का इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करेगा 56 BHP की पावर और 82 Nm का टॉर्क। और क्या क्या डायमेंशन है इस कार की वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी। और ये रहा इस कार का सभी एसेसरीज के प्राइस, जो कि आप देख सकते हैं। और ये रहा इस कार का इंटीरियर, पूरा ब्लैक कलर में रहने वाला है इस कार का इंटीरियर, और डोर भी आपको पूरा ब्लैक कलर का मिल जाएगा। डोर ओपन हो गया सिल्वर कलर का। वाटर बॉटल के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस है, और स्पीकर की हाउसिंग। और बाहर से देखने कुछ इस तरह का लगता है इस कार का इंटीरियर। और ये रही इस कार की ड्राइवर साइड सीट, रिक्लाइन करने का मिल जाएगा आपको। ड्राइवर सीट हाई एडजस्टमेंट का फीचर नहीं दिया गया है आपको इसमें। और ये रहा इस कार का बैक डोर, डोर ओपनर मिल जाएगा आपको सिल्वर कलर का। वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, और स्पीकर की आपको हाउसिंग मिल जाएगी। और ये रहा इस कार का इंटीरियर, पूरा ब्लैक कलर में इंटीरियर मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी सिल्वर फिनिश दी जाएगी, और AC वेंट के सर्कुलर में आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा इस कार का स्टीयरिंग व्हील, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। SRS एयर की ब्रेजिंग मिल जाएगी, और रेडर लैप स्टेयरिंग, ये इस कार का एसेसरीज का पार्ट है। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर, इसमें आपको RPM मीटर देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर मिल जाएगा। नीचे की साइड छोटे साइज की मिल जाएगी आपको MID, और कुछ इसमें अलर्ट लाइट है। और यहाँ से आपको इस कार के मोड को चेंज कर सकते हैं। और ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड AC वेंट, सर्कुलर में आपको सिल्वर मिल जाएगा। CNG में शिफ्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल RBM है इस कार की, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये रहा इस कार का सेंट्रल कंसोल, टूडिंग का एल्फोटेमेंट सिस्टम मिल जाएगा आपको इसमें, जो की एसेसरीज के तौर पर है। सिल्वर फिनिश मिल जाएगी आपको यहाँ पर, 2 AC वेंट्स हो गए यहाँ पर, और पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए मिल जाएगा, और मैनुअल AC मिल जाएगी आपको। इसके BXi वेरिएंट में 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट। थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा आपको यहाँ पर, 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमीटर में रहने वाली है कार। और यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, और हैंड ब्रेक ये रहा इस कार का, और SRS एयर बैग की ब्रेजिंग होगी यहाँ पर, और 1 SRS एयर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का सनवाइजर, ब्राइट मिनर आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। कैबिन लैम्प हेलोजन में मिल जाएगा आपको। और ये रहा इस कार का IRVM, मैनुअली DNI एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। और ये रहा कोट ड्राइवर साइड का सनवाइजर, ब्राइट मिनर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये रहा ग्रैब हैंडल। और ये रहा इस कार का कोट ड्राइवर साइड डोर।
डोर ओपनर आपको सिल्वर कलर का मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, बाटल वाटल के लिए स्पेस मिल जाएगा, स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी, और कुछ इतने साइज का आपको इसमें ग्लव बॉक्स मिल जाएगा आपको इस कार में। जो भी सब कुछ आपको इस कार में इंटीरियर में मिल जाता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए मैं चल लेता हूँ इस कार की रेयर सीट पर। और इतना लेग रूम मिल जाता है आपको इस कार की रेयर सीट पर बैठकर, और बैक सीट पर बैठकर कुछ इस तरह का लगता है इस कार का डैशबोर्ड। पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे रेयर के लिए, और ये रहा इस कार का बैक डोर। ग्रैब हैंडल मिल जाएंगे, फिक्स एड्रेस मिल जाते हैं आपको इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।